ऑफ हिज फादर विच वॉज इम्प्रिजेंड बाय अजाशत्रु. तो जैसे ही अजाशत्रु वो कुल्हाड़ी लेके आ रहा था, बिंबिसारा सॉ दैट हिज सन इज कमिंग. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड कि बेटे से मरने से अच्छा मैं खुद ही अपने आप को मार लेता हूँ. सो ही वट ही डिड, ही ओपन हिज रिंग एंड फ्रॉम देयर ही कंज्यूम द पॉइजन और वहां पर मर गया. सो हर हिस्ट्री स्टार्ट जहां पर बेटे ने अपने बाप को मार दिया और मर गया इन द केस ऑफ सन. सो दिस वॉज द रिलेटेड टू द बिंबिसार. बिंबिसार का बेटा हुआ अजाशत्रु. अजाशत्रु वॉज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन फ्रेंड्स. द फर्स्ट रीजन फॉर अजाशत्रु इज इंपॉर्टेंट वाई, बिकॉज ही हैड अ फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्रा को इसने फोर्टिफाई किया. सेकेंड थिंग फॉर द आर्मी सुप्रीमेसी और यू कैन से मिलिट्री सुप्रीमेसी. Military supremacy, he is known. Now, what is the military supremacy in this? Military supremacy means कि उसने दो चीजें यूज की in his warfare. That was महाशिला कंटक and another one was रथ मुसला. RATH रथ and महाशिला कंटक. So there are two things, there are Rath Musla and Mahashila Kantak. And this shows ki Azashatru militarily kafi zyada important tha. Second thing, the next important ruler of this Harenka dynasty is Udayan. Udayan is important because he shifted his capital from Rajgir to Pataliputra. So Rajgir to पाटली पुत्रा. सी यू डोंट रिक्वायर टू नो द हु इज अ सन, हु इज अ फादर और हु किल्ड हुम एंड सो. ये चीजें फॉर यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम यू डोंट रिक्वायर इट. बट इन सारी चीजों को अगर आप दिमाग में रखोगे माइट बी कि कहीं ना कहीं से कभी कोई आंसर क्लिक कर जाए. सो दिस वॉज रिलेटेड टू द हरियंक डायनेस्टी. हरियंक डायनेस्टी के और द नेक्स्ट डायनेस्टी इज द शिशुनाग डायनेस्टी. फ्रेंड्स शिशुनाग डायनेस्टी वॉज द फाउंडर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी वॉज शिशुनाग. शिशुनागा हिमसेल्फ वन इज दिस. शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में अगर हम पढ़ें तो शिशुनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था शिशुनाग हिमसेल्फ. सेकेंड वॉज इंपॉर्टेंट रूलर वॉज काल अशोका. एंड वाई दिस काल अशोका इज इंपॉर्टेंट, एज वी ऑल नो काल अशोका क्यों इंपॉर्टेंट था. दो थे इफ यू रिमेंबर, काल अशोक एंड अशोक. काल अशोका वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो काल अशोका ने कन्वीन की थी. ठीक है. एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली. सो शिशुनाग डायनेस्टी के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है क्लास. हरियंका डायनेस्टी वी हैव कवर्ड. नाउ कमिंग टू द नंद डायनेस्टी. नंद डायनेस्टी के अंदर वी विल बी कवरिंग ओनली थ्री इंडिविजुअल. द फर्स्ट इंडिविजुअल इज महापद्मानंदा एंड द सेकेंड वन इज द धनानंद. महापद्मानंद इज इंपॉर्टेंट बिकॉज महापद्मानंद साउथ तक गया था टू एस्टेब्लिश हिज रूल ओवर देयर. और साउथ में हमारे पास एक पार्ट आता है इन उड़ीसा जिसको अशोका ने भी कॉन्कर करने की कोशिश की थी. एंड द नेम ऑफ दिस इज कलिंग. कलिंग में गया था एंड देयर ही कंस्ट्रक्टेड अ डैम. उसने डैम कंस्ट्रक्ट किया था वहां पे. एंड दिस डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महापद्मानंदा. जस्ट रिमेंबर, महापद्मानंदा एक डैम कंस्ट्रक्ट किया था. महापद्मानंदा अ डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड एट कलिंगा. एंड दिस डैम वॉज अगेन रिपेयर्ड बाय आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यास. वहां पे एक आया था इंडिविजुअल. देर वॉज वन डायनेस्टी. द नेम ऑफ द डायनेस्टी वॉज छड़ी और छेदी डायनेस्टी. इसका एक किंग था. द नेम ऑफ द किंग वॉज राजा कलिंगराज खरवल ऑफ छेदी डायनेस्टी जिसने इस डैम को रिपेयर किया था. और ये हमें कहां से पता चला? दिस वी केम टू नो फ्रॉम हाथी गुम्फा. गुम्फा इंस्क्रिप्शन. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ और यू कैन से हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन और एलिफेंटा केव्स. सो ये इंडिविजुअल्स हैं जो इसके आपके इंपॉर्टेंट हैं. एंड नेक्स्ट इज द धनानंद. द धनानंद
इज इंपॉर्टेंट वाई, क्योंकि धनानंदा वॉज देयर वेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया. जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम धनानंद वॉज एट इंडिया एंड वॉज अ रूलर. सो आफ्टर दिस वी हैव कवर्ड क्लास हरेंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड नाउ वी आर इन टू द मौर्यास. सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मौर्यास एंड अ लिटिल बिट अबाउट शुंगास एंड कन्वास. थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स वेरी मच.